वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अगले कुछ मिनट देसी क्रूज के साथ व्यस्त होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो होने वाली है टोटली totally डिफरेंट वैसे मैं हर वीडियो पे ये बात बोलता हूँ तो प्लीज़ इग्नोर दिस और टोटली totally डिफरेंट का मतलब ये है कि आज जो मैं बाइक आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो बाइक ये है मेरे पीछे में आप देख सकते हैं अगर आपको कैमरे के एंगल से दिख रहा हो तो दैट इज़ हिमालयन और इस बाइक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज फर्स्ट टाइम आई थिंक इंडिया में अभी तक अगर आप वीडियोज़ खोजोगे तो शायद मे बी विल गेट इट बट एवेंजर और हिमालयन का कम्पेरिज़न जो है ना मुझे नहीं दिखा अभी तक वीडियो में और बिल्कुल नेक टू नेक एप्पल टू एप्पल जो है बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा और वो आज हम कम्पेरिजन जो है एवेंजर और हिमालयन का करने वाले हैं कि क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं जब आप बाइक लेने जाओगे ना अगर आपने एवेंजर लिया तो बोलेंगे यार हिमालयन क्यों ले लिया जाके और जब आप हिमालय लेने जाओगे ना तो दो तीन लोग तो आपको ज़रूर बोलेंगे कि यार एवेंजर क्यों नहीं लिया तो दोनों बाइक अपनी अपनी जगह पर है दोनों बाइक का अपना क्लास है दोनों बाइक की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है हिमालयन की अलग कैटेगरी है एवेंजर की अलग कैटेगरी है लेकिन कहीं कही ना कहीं लोग इसको जो है रिलेट कर लेते हैं कि नहीं यार ये बाइक अगर ली है तो ये भी ले सकता था लेकिन बाइक एस अगर मैंने एवेंजर लिया तो कम से कम दस लोगों ने पूछा कि हिमालयन क्यों नहीं ली तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं और आपको क्या मतलब किसके अंदर आपको इंटरेस्ट है और बाइक की कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट करती है तो शायद मुझे हो सकता है कि एवेंजर की राइडिंग जो उसका जो कम्फर्ट है वो अट्रैक्ट किया हो और एवेंजर के बाद अगर हिमालयन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी और अगर हम देखेंगे तो एवेंजर और हिमालयन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या ये दोनों बाइक जैसे कि लद्दाख मेड है हिमालयन इज़ टोटली लद्दाख मेड बाइक एवेंजर भी है एवेंजर भी जाते हैं तो दोनों बाइकों का एक हम थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखेंगे और देखेंगे कि आप अगर सोचते हैं बाइक लेने के लिए तो कौन सी बाइक आप लेने के लिए प्रीफर कर सकते हैं मैंने फिर से बताया आपको कैटेगरीज डिफरेंट लाइक एवेंजर की एक अलग फोन फैन फॉलोइंग है और हिमालयन की अलग फैन फॉलोइंग है दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरर अलग अलग हैं यानी अगर आप बात करें बजाज की तो थोड़ी सी थकेली सर्विस आपको मिलेगी लेकिन अगर आप बात करें रॉयल इनफील्ड की तो हर जगह आपको एक परफेक्ट सर्विस मिलेगी आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्रीमियम सेगमेंट बाइक लाइक बजाज की जो एवेंजर और डोमिनार ये सब आती है बिकॉज यू आर पेइंग अंड मनी फॉर दैट सो चलिए लेट स्टार्ट और शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों बाइकों का नेक टू नेक कितना कंपेयर हम कर सकते हैं और इनका राइडिंग कम्फर्ट क्या है और हिमालयन और एवेंजर में कौन सी बाइक बाजी मार जाती है वैसे ये कंपेयर वीडियो है लेकिन दोनों बाइक की कैटेगरी अलग है इसलिए आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कि बाजी मारने वाली बात में ये नहीं है कि एवेंजर ही लेना है और हिमालयन ही लेना है टोटली डिपेंड्स अपॉन यू यानी कि सुनो सब की करो अपने मन की तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और फ्रेंड्स आपके सामने है ये दोनों बाइक्स एक एवेंजर है दूसरी हिमालयन है और आप लुक में देख सकते हो दोनों बाइक को कि दोनों का डिफरेंट लुक है अगर आप बात करो लुक की तो दोनों बाइक्स के जो है डिफरेंट लुक है आपकी अगर इस हिमालयन की बात करो तो इसकी जो सीट की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची है एवेंजर की अगर सीट की बात करो तो वो जो है नीचे है और हिमालयन अगर कोई ये सोचे कि, कि किसी भी भाई की अगर हाइट फाइव फुट फाइव इंच है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है सिक्स इंच के लिए भी मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट देट लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है मैं अभी इस पर बैठ के देखा था हिमालयन पर तो आ, मैं फ़ाइव नाइन अप्रॉक्स फिर भी फ़ाइव नाइन टेन होंगा फिर भी मेरे पैर जो है आ रहे थे ठीक आ रहे थे मतलब ऐसा कुछ पंगा नहीं था बट फिर भी आपको हाइट की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है तो अगर हाइट बढ़िया है तभी यू शुड गो फॉर हिमालयन और इसके अलावा क्या खास है दोनों बाइकों में और क्या दोनों को अलग बनाता है तो बात करेंगे टायरों की प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं अगर दोनों बाइक्स की तो आप देख सकते हो कि उसके टायर का जो साइज़ है बट ऑब्वियस बड़ा है और ये आप देख सकते हो कि ये जो टायर हैं ये छोटे मोटे नहीं है पत्थर वाले और पथरीले रास्तों के लिए जो बिल्कुल बनते हैं ना कस्टम मेड वैसा है इसलिए इसके साइज़ जो दिए गए हैं दैट इज़ 21 इंच के टायर हैं और ये जो है अपना जो है 17 इंच के टायर आ जाते हैं तो टायरों की प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है और उसको उसी ढंग से बनाया ही गया है ऑफ के पर्पज से और भी ये क्या चीज़ें अलग हो सकती हैं तो आप देख सकते हो दोनों का जो ओवरऑल हेडलाइट की प्लेसमेंट है या टोटल कैटेगरी टोटली डिफरेंट आपको मैं बोलूँगा इंजन की बात करते हैं तो इंजन भी टोटली totally डिफरेंट है इसमें सिर्फ है 220 सीसी का इंजन तो इसमें इसमें जो है 400 सीसी का इंजन है तो अगर आप इंजन की बात करोगे तो भी ऑलमोस्ट 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 डबल की बात आ जाती है तो ये भी एक अगर आप देखोगे तो बाइक को डिफरेंट कैटेगरी में शो करती है इसलिए कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि यार वाई एवेंजर वाई नॉट हिमालयन तो दोनों की कैटेगरी अलग है यार इंजन की कैटेगरी टोटली totally डिफरेंट है अब इसके अलावा अगर आप इस बाइक के ऐसे पूरी प्रोफाइल पे आओ तो इसका टैंक आप देख सकते हो टैंक इस तरह का है और सीटिंग का जो पोजीशन है आप देखो इसकी सीटिंग इस तरह से है यानी पिलियन के लिए भी अगर वर्थ की बात करें तो ज़्यादा बेटर है और यहाँ पे डेप्थ ये इसका इस तरह का है और एवेंजर में आप देख सकते हो राइडर के लिए ठीक है लेकिन पिलियन के लिए कुछ भी नहीं है आप देखोगे बिल्कुल नहीं बसता इसको आपको थोड़ा सा चेंजेस कराना पड़ेगा इसके अलावा अगर बात करते हैं इंजन की बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे और कुछ चीज़ें और भी जो दी गई हैं क्योंकि ये बाइक ऑफ के लिए ज़्यादा है तो ये सब आप देख सकते हो ये सब आपको बाइक के अंदर में एक कस्टम फिट पहले से ही ये चीज़ें मिली हुई हैं जिससे कि बाइक आपकी किसी भी मतलब इस तरह के जो रास्ते होते हैं जो लद्दाख और उस टाइप का जो ऑफ टाइप का होता है उसके लिए कस्टमेट की हुई है इसके अलावा देखो तो आप इसके लेग गार्ड की पोजिशनिंग देख सकते हो कि लेग गार्ड इसका कहाँ पे है और यही अगर आप बात करोगे तो एवेंजर की जो पोजिशनिंग है ये आप देख सकते हो एवेंजर की पोजिशनिंग कहाँ पे है और फ्रेंड्स इंजन की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि 400 सीसी का इंजन है और इसके अंदर जो बीएचपी पावर मिलती है जो जनरेट करती है बाइक वो करती है आपको ट्वेंटी फोर की इसके साथ अगर एवेंजर की बात करें तो एवेंजर जो आपको पावर जनरेट करती है वो 18 बी की करती है दो सीसी के इंजन में तो ये आप देख सकते हैं पावर का डिफरेंट जो है वो आपको दिख सकता है यहाँ पे कि पावर दोनों का अलग अलग है इसके अलावा जो एक अप साइड जो अगर चीज़ की बात करूँ तो वो हिमालयन में है इसमें ड्यूल चैनल एबीएस है जो कि आपको एवेंजर में सिंगल चैनल एबीएस आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका ये ए के यहाँ पर फिटिंग दी हुई है हाँ ब्रांडिंग नहीं दी हुई है इसकी और यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं है ए की लेकिन हा, हाँ ये आपको ड्यूअल चैनल ए है और सेटअप यहाँ पर हो रखा है जबकि एवेंजर का आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इसका सेटअप हो रखा है इसके अलावा इंजन जो अगर आप साइज़ की बात करो तो 400 सौ सी का इंजन तो है काफ़ी हैवी है और ओवरऑल अगर आप देखो तो ये आपको बहुत बढ़िया प्लेस्ड है फुल ब्लैक इंजन है बिल्कुल आपको ये बिल्कुल ब्लैक दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको देखते साइज छोटा लगने लगेगा कंपेयर करेंगे अगर आप हिमालयन से तो तो ये चीज़ें हो जाती हैं, जो कि आपको डिफरेंट बनाती है दोनों बाइक को डिफरेंट कैटेगरी में ला के रखती है इसके साथ साथ और भी चीज़ों पे अगर हम नज़र डालते हैं तो क्या पाएंगे वो देखते हैं और फ्रेंड्स एक चीज़ सिमिलर है दोनों बाइकों में जो कि सिमिलर क्या है तो टायरों का साइज़ तो सिमिलर नहीं है टायरों का साइज़ आप देख सकते हो कि डिफरेंट है सिमिलर है दोनों टायर जो है वो ट्यूबलेस नहीं है तो ट्यूबलेस इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफ रोडिंग में जो बाइक होती है उसका मोस्टली जो है काम होता है कि अगर एलोय व्हील्स के साथ है तो बेंड कर जाती है और इसीलिए ट्यूबलेस टायर जो है वहाँ पर बढ़िया नहीं रहते हैं ऑफ़ के लिए तो इस कारण से ये बाइक ट्यूबलेस आ, नहीं है ट्यूब टायर के साथ है और एवेंजर तो आती ही ट्यूब के साथ है और फ्रेंड्स इन इंजन मैंने आपको बता दिया है कि जैसे हिमालयन में 400 यानी 411 सौ सीसी का इंजन है और इसमें 220 सीसी बीस का इंजन है और इसमें भी आपको जो है ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है हिमालयन में कंपेयर करें अगर एवेंजर के साथ तो दोनों में सेम ऑयल कूल्ड इंजन है तो क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने एवेंजर को पाँच पाँच सौ किलोमीटर सिंगल सिंगल डे पर राइड किया है और मुझे कभी भी इसके अंदर हीटिंग इशू नहीं आया और हिमालयन के जो हैं ओनर उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या उनको किस तरह का इशू आया और क्यों उन्होंने बाइक ली तो थोड़ा उनसे बात करते हैं और देखते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कुछ चीज़ें आप अगर देखोगे तो हिमालयन का आप देखो यहाँ पर जो इसका जो कंसोलीय मीटर है पूरा आप देख सकते हो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिल जाती है जैसे अगर आप बात करो तो किलोमीटर पर आर और माइल पर आवर का आपको ये इंडिकेट करने वाला यहाँ पर मिल जाता है जो कि एनालॉग है इसके अलावा डिजिटल भी मिल जाता है यहाँ पर टेम्परेचर से लेके हर चीज़ बताने के लिए आपको ऑडो दिया हुआ है तो ये आप देख सकते हो कि एक बढ़िया चीज़ है साइड स्टैंड है तो साइड स्टैंड का भी यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आर मीटर का यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो कि एवेंजर में मिसिंग है और इसके अलावा एनालॉग इसके अंदर में आपको फ्यूल मीटर का है और साथ ही साथ आपको बाइक न्यूट्रल में है ये आपको ये चीज़ें यहाँ पे बता देगी बाइक इंजन हज़ार लाइट्स यहाँ पे हैं बैटरी की इन्फॉर्मेशन है एबीएस का है प्लस इसके अंदर आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट करके अपने ट्रिप को सेट कर सकते तो ये ओवरऑल जो कंसोल मैंने आपको बता दिया ये है प्लस ये जो आप आजकल मेट्योर में देखते हैं ये इसमें भी है यानी आपको जो नेविगेशन का है आप अपने ऐप के साथ कनेक्ट करके ये नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं तो ओवरऑल देखें तो ये आपको एक गुड पैकेज दिखता है हिमालयन में अब क्योंकि हमने एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करने की बात की है तो कंपेरिजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एवेंजर को भी देख लेते हैं तो एवेंजर का जो आपको ओवरऑल कंसोल जो मीटर मिलता है वो इस तरह का मिलता है तो बहुत ज्यादा कोई बढ़िया पैकेज और बहुत ज्यादा अगर आप सोचोगे तो इस तरह का आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है आपको यहाँ पर क्या मिलता है तो आपको यहाँ पर मिलता है फ्यूल मीटर फ्यूल इंडिकेटर्स हो गए यहाँ पे ट्रिप का भी हो जाता है और इसमें किलोमीटर जो आपको होते हैं ऑडोमीटर वो है और प्लस डिजिटली आपको जो है क्या स्पीड आपकी चल रही किलोमीटर पर आर का वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिजिटली मिल जाता है प्लस इंजन हडा हजार लाइट्स और एबीएस की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है तो आप ख़ुद ही कंपेयर कर सकते हो और आप सोच सकते हो कि यहाँ पर बाजी जो मारती है वो हिमालयन मारती है क्योंकि हिमालयन में जो है आपको एडिड फीचर्स मिल जाते हैं जो कि ये सब हैं जो मैंने आपको बताया और फ्रेंड्स अब थोड़ी हाइट की भी बात कर लेते हैं तो हाइट के लिए अगर बात करेंगे तो आप देखो कि मेरा पैर वैसे दोनों तरफ कर दिया हुआ है तो इतना पहुंच जा रहा है यानी प्रॉपर पहुंच जा रहा है लेकिन अगर हाइट छोटी है तो क्योंकि सीट का साइज़ अगर बात करें सीट की हाइट जो है ना वो ज़्यादा है इस कारण से आपको पैर रखने में प्रॉब्लम होगी अगर हाइट छोटी है तो तो थोड़ी उस टाइप और अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको बाइक को हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होगी तो इसलिए यहाँ पर आप कंसीडर ज़रूर करें कि किस हाइट पे आपको बाइक लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि फ़ाइव फिट सेवन इंच के ऊपर जो लोग हैं दे कैन कंसिडर दिस हिमालयन बिकॉज उससे नीचे अगर आप हाइट में हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है फिर तो आपके लिए एवेंजर ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैंने इसको स्टैंड पे लगाया हुआ है और फिर भी मेरे पैर एवेंजर पे पूरी तरह से आ रहे हैं तो आप देख सकते हो स्टैंड के बावजूद मेरे पैर इस पर आ रहे हैं तो ये आप बोल सकते हो कि शॉर्ट साइड्स जिनकी है उनके लिए एवेंजर जो है यहाँ पर बेस्ट हो सकती है बेस्ट चॉइस हो सकती है और अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो यू शुड गो फॉर हिमालय इसके अलावा एवेंजर और अगर हिमालयन की बात करें और क्या डिफरेंट आपको चीज़ें मिल सकती हैं तो ये देखो आप पेट्रोल टैंक जो इसमें है वो फिफ्टीन लीटर का है एवेंजर का आपको पता है थर्टीन लीटर का इसमें जो है पेट्रोल टैंक है तो अब 15 लीटर का है तो बट ऑबियस आप थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इसके भी जो माइलेज है वो 35-40 के बीच में आपको कहा जाता है स्टैंडर्ड कितना आता है वो डिपेंड करता है कि आप क्या राइड करते हैं किस तरह से हैं उस पर ये टोटली डिपेंड करता है ऑफ रोडिंग के लिए बाइक है तो ये आपको जो है फैक्ट्री फिटेड ही आता है ये यह यहाँ पे राइट right, ये आपका फैक्ट्री फिटेड है और इस पर आप लोड कर सकते हैं वैसे तो लिखा हुआ है मैक्सिमम सेवन के लेकिन आप इसको जो है सो so, आगे भी इस पर जितना थोड़ा बहुत और आप आप इसको कर सकते हैं अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के अगर हम इसको पीछे साइड से देखें तो इसके अंदर दो शॉक ऑब्जर्वर है शॉकर्स जो इसमें लगे हुए हैं हिमालयन में वो सिंगल आपको आप देखते हैं यहाँ पे मोनो शॉकर है यहाँ पे और जबकि एवेंजर में आपको एडजस्टेबल शॉकर है ट्विन शॉकर है और ये एडजस्टेबल है तो ये मोनो शॉक है आपको यहाँ पर हिमालयन में इसके अलावा टायर देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा आगे के भी टायर को मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड ये देखो आप टायरों की जो ग्रिपिंग है ये इस तरह से बनी हुई है कि हाँ बिल्कुल रोड को चिपक रोड पे चिपक के चले और ये ग्रिपिंग है जबकि आप एवेंजर में देखो तो आपको टायरों की जो प्रोफाइल है वो इस तरह से दिखती है इसके अलावा एक और एडिड चीज़ जो हिमालयन में यूल गेट इट दैट इज़ वॉट आपको इसके अंदर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं ड्यूअल चैनल ये भी ऐसा है डिस्क ब्रेक भी है आपको अब बात कर लेते हैं बाइक के एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट आप इसका देख सकते हो कि इस तरह का इसका एग्जॉस्ट सेटअप है और ये बी एस सिक्स के साथ में क्योंकि ये जो हिमालयन आप देख रहे हैं ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मॉडल है इसके साथ अगर मैं एवेंजर की बात करूँ एग्जॉस की तो ये आपको जो है क्रोम फिनिश में है लेकिन आपको ये नॉर्मल है इसमें कुछ इतना कोई बहुत ज़्यादा आपको इनहेंस और इस टाइप का नहीं मिलेगा जो आपको कंपेयर करे आपको हिमालयन से तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बाइक की अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरी है और दोनों बाइक अपने अपने डिफरेंट कैटेगरी में ही आएंगे और ये नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल ऐसा कंपेयर करके सोचे कि हाँ हिमालयन और एवेंजर एक कैटेगरी में है तो बिल्कुल नहीं है ना पावर में है ना लुक में है ना डिज़ाइन में है कंफर्ट की बात करें तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं रीज़न की आपको हिमालयन जो है आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रखता है और तभी ये जो है सो बिल्कुल ऑफ रोडिंग के लिए एक बेस्ट बाइक आपको ये कही जाती है और फ्रेंड्स सामने आपके खड़े हैं इस बाइक के ओनर अक्षशांश और अक्षशांश बताएंगे इस बाइक के बारे में आपको बेसिकली क्यों ली लेने और अभी तक कितने खुश हैं बाइक से और क्या हिमालयन लेने के लिए ये दूसरे दूसरे लोगों को एडवाइस करेंगे या नहीं करेंगे तो अक्षांश मोस्ट वेलकम इन देसी क्रूज और थैंक यू सो मच अपनी बाइक के साथ आने के लिए और uh, अब आपसे पूछते हैं इस बाइक का फीडबैक क्या है ऑनेस्ट इस फीडबैक बारे में थोड़ा Uh, मेरा जो इंटेंशन था बाइक परचेज करने से पहले वो ये था कि मैं एडवेंचर सेगमेंट में ही जाना चाहता था मेरा जो uh, दिमाग था वो एडवेंचर ऑफ रोड साइड पर ज़्यादा था तो बेसिकली uh, मैंने सबसे पहली बाइक जो शॉर्टलिस्ट करी थी वो थी बी एम डब्ल्यू जी थ्री टेन जी एस जी एस मेरा चूज़ करने का ये मतलब था कि उस टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली exactly नया मॉडल ही लॉन्च हुआ था और उसमें थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस डाल दिए थे कंपनी ने जिस वजह से मेरा मन उसकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया था लेकिन सिचुएशन uh, ये बनी कि उसकी जब मैंने माइलेज और बाद में uh, चीज़ों के बारे में पढ़ा कि जैसे उसका ट्यूब uh, टायर्स नहीं है उसमें ट्यूबलेस हैं तो ट्यूबलेस में क्या जैसे लॉय बैंड हो जाता है तो वहीं पे मैंने बहुत लोगों को देखा कि लेह लद्दाख गए तो वहीं पे राइड उनकी ख़त्म हो जाती है ट्यूब मतलब रिम बैंड होने की वजह से उनको बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं प्लस uh, इसके अलावा मैंने और भी सु, आ, सुना था उसके बारे में कि उसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसकी जो फ़र्स्ट सर्विस है उसका कॉस्ट अराउंड 4500 से 5000 के अराउंड आता है हिमालयन की मैंने फ़र्स्ट सर्विस कराई है जिसमें पूरा इंजन ऑयल चेंज हुआ है सारी लुब्रिकेशन हुई हैं हर हर जॉइंट पर उन्होंने काम किया है नौ सौ का खर्चा आया मेरा आप हिसाब लगाइए साढ़े चार हज़ार में दूँ या फिर नौ सौ उन्नीस रुपये में दे के खुच ला दिया है तो आ, उसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ जो देखी थी वो थी के टी एम एडवेंचर टू फिफ्टी बट वो उतनी पावरफुल और उतनी मतलब मज़ेदार नहीं लगी बाइक मेरे को टेस्ट ड्राइव के बाद मैंने एक्सपल्स भी सोची थी बीच में लेकिन वो हाईवे पे अंडर पावर्ड है इस पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती मैं 100 120 आराम से डेली क्रूज़ कर सकता हूं और मैं मतलब 200 200 किलोमीटर लगातार 100 किलोमीटर पे चल सकता हूं कोई इशू नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत मज़ा आता है चलाने में क्योंकि राइडिंग पोस्चर जो है मैं फाइव नाइन एंड हाफ़ हूँ मेरे फुट जो है वो फ्लैट फीट हो जाते हैं इस पर और कहीं रुकना है कुछ करना है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है इस बाइक को राइड करने में बाकी कुछ एडिशंस मैंने ऑफ़ रोड को ध्यान रखते हुए करवाए थे कि मैंने एक ये लेग गार्ड रॉयल एनफील्ड से ही ले लिया था ये लेग गार्ड जो था ये बारह सौ पचास रुपये का पड़ा मेरे को रॉयल एनफील्ड से इसके बाद मैंने ये हैंड गार्ड लगवाए थे जो हैंड गार्ड किट आती है ये राइट एंड लेफ्ट हैंड गार्ड्स के लिए ये ये स्टील है ये जो आगे बैंड दिख रहा है ये पूरा स्टील बैंड है और ये प्लास्टिक है अगर हम ऑफ रोड करते हैं तो ग्रेवल उड़ता है और कुछ होता है अगर हम गिरते भी हैं तो ये हमारे हाथ को बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है इसके अलावा जो मैंने एक दो इंक्लूजन्स करवाए थे ऑफ को ध्यान में रखते हुए जैसे कि मैंने एक ये आ, रियर ब्रेक जो है इसका ये आ, पीछे आ, मास्टर सिलेंडर है तो इसका एक गार्ड है ये क्या करेगा कि ये इसको बचा लेगा ऑफ रोड में कुछ कंकड़ लगे कुछ हो जाए कि ब्रेक टूट जाए तो उसको ये बचा लेगा ये जो गार्ड था ये 700 का मेरे को पड़ा था 700 का मेरे को ये पड़ा था आ, ये मास्टर सिलेंडर है रियर ब्रेक रिजर्वायर है रियर ब्रेक रिजर्वायर का जो ये गार्ड है ये मेरे को सेवन हंड्रेड का पड़ा था और ये मतलब ज़रूरी है क्योंकि अगर ये प्लास्टिक बॉटल सामने रहेगी कुछ लगता है इस पर तो ये ब्रेक ख़त्म कर देगा तो आपका और देखा जाए तो जैसे कि ये ऑयल कूलर है हमारा ऑयल कूलर का जो ये गार्ड मैंने इस पर फ्रंट से लगा रखा है ताकि इस पर कुछ भी हो तो ऑयल कूलर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बाकी मैंने इसमें अभी तक ज़्यादा एडवान्स नहीं करवाए हैं जो मेरा प्लान अभी है वो इसमें है टॉप बॉक्स और पैनियर्जा ऐड करने का ताकि मैं आगे और टूर्स कर सकूँ इस पर और बाकी अभी मैं टैंक बैग भी इस पर लगाता हूँ तो ये उसी का ही स्ट्रैप है तो मैंने जो टैंक था इसमें क्या है कि ड्यूअल टोन आता है ये आगे ग्लॉसी होता है और पीछे मैट होता है तो मैंने इसको जानबूझ के रैप करा लिया था ये 3M का मैंने मैट रैप इसलिए करा लिया था क्योंकि मैं टैंक बैग जो लगाता हूँ वो मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक टैंक बैग से दिक्कत ये होती है कि वो टैंक पर निशान छोड़ेगा तो उससे अच्छा मैंने सोचा इसी पे ही निशान पड़ जाए कि वो पेंट ख़राब करें अपना तो बस यही है बाकी मैं इसको 2000 थाउजेंड किलोमीटर्स प्लस चला चुका हूँ और 2000 थाउजेंड किलोमीटर्स में मतलब ये मान के चलिए कि हज़ार किलोमीटर मेरा मैक्सिमम ऑफ ही हुआ है जिसको मैं गुड़गांव में या फरीदाबाद में ऑफ़ रोड ट्रेल्स पर यूज़ करता हूँ बाइक को मेनली तो आ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अभी तक की परफॉर्मेंस से लोग कुछ कहते हैं कि इसमें स्टॉलिंग इशू है स्टार्ट होने में दिक्कत होती है और भी जैसे कुछ इश्यूज बता देते हैं लेकिन मेरे को अभी तक तो वैसा कोई इशू फेस नहीं हुआ है और आ, कुछ आ, मैंने रिव्यूज ऐसे भी देखे थे जिसमें लोग बुराइयाँ कर रहे थे लेकिन मेरे को अपने पर्सनल एंड से तो अभी तक कुछ ऐसा बुरा लगा नहीं है दो किलोमीटर के एक्सपीरियंस में थैंक यू अक्षांश थैंक यू सो मच और फ्रेंड्स uh, इस बाइक की डिलीवरी और इस बाइक में और क्या क्या चीज़ें करते हैं अक्षशांश तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको अक्षांश के चैनल पे जो कि अक्षांश कुमार के नाम से बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा सो आप उस बाइक की अक्षांश ने जब ये बाइक ली थी तो उसकी डिलीवरी और बाकी चीज़ें ये शॉर्ट्स और बाकी वीडियोज़ ये अक्षशांश उस पर डालते रहते हैं तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाके अक्षांश को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों बाइकों का कंपेरिज़न तो हो गया कुछ कुछ चीज़ें और ओनरशिप फीडबैक भी मिल गया अक्षांश को एक बार फिर से थैंक यू सो मच आगे और, आगे। और एक चीज़ और फ्रेंड्स की थोड़ा सा राइड करके देख लेते हैं बाइकों की बाइक राइड में कैसी है और उसके बाद हम जो है फ़ाइनल वर्डिक्टर नहीं फाइनल वर्डिक नहीं होगा तो सिर्फ राइड करके देखते हैं और फ्रेंड्स बाइक पे आ चुका हूँ मैं और अगर मैं बात करूँ बाइक पे बैठने की फीलिंग की तो फीलिंग बहुत अच्छी है और हाइट इसकी क्योंकि ऊंची है तो एक आपको एक अलग फील दे रही है बाइक रफ्तार की बात करें तो यस क्योंकि पावर इसके अंदर अच्छा खासा है तो बाइक बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड जो है वो बढ़िया से कर रही है और आपको मैं बताऊं तो मुझे जो है बाइक को चला के अच्छा लग रहा है जो फीलिंग है वो काफ़ी अच्छी आ रही है थोड़ा रेस देके देखते हैं तो यस इंजन क्योंकि आ, पावर इसमें ज्यादा है और पंची है तो इंजन जो है अच्छा रिस्पॉन्स है और बढ़िया लग रहा है चलाने में और एक बार अगर उसको ब्रेक लगा के देखू तो ब्रेक भी इसका जो है अच्छा है ड्यूअल चैनल ए है तो ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है तो ओवरऑल देखें तो अभी इतनी जल्दी बाइक को राइड करके एक शॉर्ट राइड करके बताना बहुत पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये एवेंजर और हिमालयन की जो कंपेरिजन वीडियो पसंद आई होगी एट लास्ट पसंद है आपकी जो आपको अच्छा लगे जरूर लें दोनों का अपना अपना कंफर्टेबल है तो इसी तरह की किसी और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए देसी क्रूज पे बने रहें तब तक अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद